सोमवार देर रात को आए अचानक आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि कई घरों सहित झुग्गी झोंपड़ियों की छतें उड़ गईं। कहीं पर भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए तो कहीं पर बिजली के पोल गिर गए, जिसके चलते गोला चीका के गांव भुंसला सहित बहुत से क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। तूफान का मंजर बयां करते हुए अब गरीब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि गरीबों के आशियाने को जो भारी नुकसान पहुंचा है। उधर जब बीडीपीओ से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि गरीबों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी जाएगी। जो भी राहत दी जाती है तो जरूर गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पीड़ितों से उनकी समस्याएं जानी, जरा सुनिए क्या कहा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां काफ़ी दिल दुखद होता है जब ये तस्वीरें देखते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं एक लकड़ी की मचान बनाई हुई थी, लकड़ी का छोटा सा घर बनाया हुआ था। ये झोपड़ी दो दिन पहले आए चक्रवाती तूफान के जरिए उड़ गई और काफ़ी नुकसान जो है इसकी वजह से हुआ है। झोपड़ी ही नहीं उड़ी बल्कि भूसला गांव की ये तस्वीरें हैं जहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी नुकसान जो है इस क्षेत्र के लोगों को हुआ है। केवल इन लोगों को ही नुकसान नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियाँ, छोटी छोटी कॉलोनियाँ जहाँ पर तूफान की वजह से लोगों के घरों की छतें उड़ गई और उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया। आइए जानते हैं लोगों से कि किस तरह से क्या मंजर रहा था जब तूफान आया था, क्योंकि हम लोग अक्सर जब अपने घरों में होते हैं और तूफान का जब मंजर होता है तो अपने दरवाजे लगा देते हैं और पता नहीं चलता कि कितना भयानक रहा होगा तूफान। जी, क्या नाम आपका? रामानट। रामानट, जब तूफान आया था परसों रात को, कितना भयंकर था तूफान? बहुत ही ज़्यादा भयंकर था और हमको बच्चे बचाने की बहुत मुश्किल हो रही, बच्चे बड़ी मुश्किल से बचे, सब कुछ टूट गई, बहुत दूर चली गई थी। बच्चे के अब हमारे पड़ोसी हैं वो उस तूफान में आए और तुरंत हमारे बच्चों को लेकर गए और यहाँ कुछ भी नहीं बचा था और हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं बचा, कपड़े या बर्तन, खाने को आटा चीनी जो भी था सब खराब हो गया और तूफान में चला गया। तूफान में सब कुछ चला गया, कुछ भी बचा नहीं है? कुछ भी नहीं बचा। दो दिन से कुछ खाने को मिला नहीं? मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बस। जिस समय तूफान आया, क्योंकि खुद का संभलना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसी अवस्था में, और तूफान में आप लोग कैसे संभले, कैसे अपने बच्चों को बचाया, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों। देखिए जी, जिस टाइम तूफान आया तो हम बच्चों को पकड़ कर बैठ गए, हमारी टीन थी एक वो भी उड़ गई, वहाँ से बाहर निकले, दूसरी झोंपड़ी में गए, उसकी भी सारी तिरपाल और झोंपड़ी उड़ कर ही चली गई जाने कहाँ। फिर उसके बाद हमारे ये पड़ोसी हैं, ये अपने घर से बाज कर आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, मेरे साथ चलो या एक मिनट मात्र को, इनके साथ गए इनके घर पर, वहाँ पर बच्चों को ठहरने के लिए कुछ मदद मिली और वहाँ थोड़ी शांति मिली। बच्चे बिल्कुल डर गए थे और रो रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फिर ये दोबारा झोंपड़ी जो है तैयार कर रहे हैं आप लोग, या क्योंकि रस्सियाँ ताजी सी बंधी दिख रही हैं इसमें, या इसी तरह ही थी? नहीं नहीं, ये दोबारा तैयार कर रहे हैं, हम ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं कहीं 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 से, ये तुरंत दोबारा तैयार कर रहे हैं। दो दिन हो गए हमको उनको तैयार कर, अभी तक तैयार नहीं हुई है जी, ऐसे ही रात गुजार रहे हैं जी। जी आप बताएं आपका क्या नाम है, आप आ जाएं आगे। क्या नाम आपका? शेरा। शेरा, जो ये नुकसान हुआ है काफ़ी नुकसान, देखिए गरीब के पास ले दे के एक मकान ही होता है और वो ही उड़ जाए तो बहुत दुखद तस्वीरें होती हैं इस तरह की। जब तूफान आया था तो क्या आपको लग रहा था कि तूफान आ सकता है ऐसे एकदम से? नहीं सर, कोई पता नहीं था कि तूफान आएगा या नहीं आएगा, हम रोटी खाने ही बैठे थे, एक बुर्की तोड़ी थी, इतने में ही तूफान आ गया सर, बिल्कुल हक्का बक्का रह गए, कोई चांस नहीं था कि तूफान आएगा। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई हो, किसी गाँव के मौजूद लोगों से बात हुई हो, कुछ किसी ने कोई सपोर्ट किया इस मामले में? नहीं सर, हमने पड़ोसी से कहा था कि सरपंच से कुछ सहायता मिल जाए, तो सरपंच, इसने फ़ोन किया था सरपंच से जी, फिर कोई प्रशासन या फिर कोई गांव की तरफ से कोई सहायता हमको नहीं मिली जी। जी आप आ जाएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम करमजीत कोरा जी, मैं मनरेगा मजदूर यूनियन की ब्लॉक प्रधान हूँ जी। जी जी, तो
आज हमें सूचना मनरेगा के काम पे गए हुए थे जी हम मजदूर सारे इकट्ठे, तो हमको ये लड़का रणधीर है, रणधीर ने मेरे को सूचना दी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे आज सो गए, इससे पहले मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। तो उसके बाद भी मेरे को कोई भी मदद नहीं जा रही दी जा रही, और हम दो दिन से भी भूखे ऐसे ही बैठे हैं। मैंने इसको बोला भी था कि आपने पहले नहीं फ़ोन कराया, उन्होंने कहा नहीं, कब मेरे के बस दिमाग में ही रहा, बस एकदम ही दिल ऐसे ही पड़ गया कि सुध बुध रही नहीं है जी कुछ भी। ये बरगद है, जो बरगद का पेड़ गिर के भी इनके आध से होने का बचाव रह गया, वैसे लाटरिंग शौचालय जो भी है तो सारा तोड़ फोड़ हो गया जी। गरीब बंदा पहले भी बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके रोजगार कमावा करा जी, कुछ तो कोरोना संकट ने मार रखे हैं गरीब लोग पहले ही जी, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बनावा करा। तो अब स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ कोरोना महामारी के कारण इनको रोजगार नहीं मिल रहा कहीं भी जी, मनरेगा की हालत भी आप देख रही हैं जी, पत्रकार भाइयों को पता जी कितने संघर्ष के जरिए ये हमको मनरेगा का काम मिल पाता, वो भी 6 दिन का दिया जी। अब तो ये हम गुजारिश करना चाहवा जी सरकार से कि इनको ये पक्के मकान बना करके दिए जावा, इनके से कोई सरकार सुविधा मुआवजा, इनका जो भी नुकसान हुआ इनका मुआवजा दिया जावा। और इनके बीपी, मैंने सूचना निकाली कि आपके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं या नहीं, ये इन्होंने बताया ये सारी बस्ती के कि मेरे बीपीएल राशन कार्ड किसी का एक भी नहीं बना हुआ जी यहाँ, कि सरकार की तरफ से कोई बीपीएल कार्ड इन लोगों के नहीं बने हुए, तो फिर बीपीएल है किसके पास? ये तो देखा अधिकारियों को सूचना या सरकार को सूचना जी, सरकार इसके जुमले जुमले करती है, वादे वादे करती है जी, पर गरीब लोगों के पास कुछ नहीं पहुंच पाता जी। तो जिस तरह से ये लोग हैं, हकीकत दिखाई दे रही है सामने, छोटे छोटे एक एक कमरे दो दो कमरे में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, यदि इनके पास भी बीपीएल कार्डों की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर ये बीपीएल की फैसिलिटी जो कार्ड की है वो किसको मिली होगी? ये तो देख जी सरकार को पता, पर मारे तो चाहने हुए आंखों से देखा जी, कई बार बीपीएल राशन कार्ड उनके बने हुए हैं जी जो राशन लेने के लायक भी नहीं है जी, पर गरीब लोग ऐसे ही तरस रहे हैं जी आज भी अनाज से जी। करमजीत जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं मनरेगा यूनियन की प्रधान हूँ मैं भी चीका गुलाल का जी की, हाँ जी। तो यो इनकी समस्या देखो जी, गरीब लोगों की, गरीब लोग इनकी समस्या नहीं पूरी होगी तो और किसकी होगी? इनकी झोंपड़ियाँ भी उड़गी खाने को, वो भी कुछ नहीं। तो आज हमको पता लगा, आई सूचना दी कि इनकी झोंपड़ी उड़गी, इनका सरकार कुछ ना कुछ ही ला ले कुछ ना कुछ इनको मिले और कौन देगा जी? अब भी इनके पास कुछ नहीं है, अब भी बारिश होने के चांस हैं कि इनकी समस्या कम से कम सरपंच चाहे और कोई भी इसको कहीं कमरा दिलाए या किसी सरकारी कमरे लाले कुछ भी हो उठा इनको लाले भेजें, इतना इनका तूफान का लाले ऐसा हो सके जी। शुक्रिया। तो देखिए जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जो सामने बातें आई हैं जी, आप बताइए सर जी। बाकी गांव से बहुत गांव, ये मनरेगा मजदूर यूनियन की ब्लॉक की प्रधान होने के नाते बहुत गांव से मेरे पास मजदूरों से सूचना आई है, मिली है कि बहुत सी जगह पे पूरे ब्लॉक में बहुत मजदूरों को नुकसान हुआ जी। एक ये बोपर गांव है जी, बोपर गांव हमारी कमेटी, ब्लॉक कमेटी की सदस्य थी रीना जी, रीना वो भी आंधी के कारण ऊपर छत से मंजा उठाने, मंजा अंदर करने के लिए गई कि मेरा मंजा टूट ना जाए जी, तो वो मंजा उठाने गई ना जिस टाइम, उसी टाइम छत से नीचे गिरने के कारण उसकी थोड़ी मृत्यु होगी जी। हम ये कहाँ सरकार उसको अब करना चाहते हैं, निगरानी में सरकार की लाना चाहते हैं कि उसको आर्थिक सहायता बच्चों की या कुछ उनको मिले जी, जी बहुत सी जाने चली गई जी। देखिए जिस तरह से पता चला है, ये पंजाब केसरी द्वारा समाचार प्रकाशित भी किया गया कि एक महिला की जो मौत हो गई थी बोपुर में, काफ़ी दुखद रहा होगा उस परिवार के साथ ये मंजर। कुल मिलाकर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं झोपड़ी किस तरह से है, गरीब लोग जो हैं उम्मीदें लगाए हुए हैं कि शायद इन्हें पंजाब केसरी की टीम आने से कुछ इंसाफ मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उम्मीद लगाकर ही इन लोगों द्वारा यहां हमारी टीम को संपर्क करते हुए बुलाया गया है। और जो ये तस्वीरें हैं इसमें देख सकते हैं कि ये केवल एक छोटी सी कॉलोनी की तस्वीरें हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज भी इसमें डैमेज हुई हैं, चक्रवाती तूफान ने बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का किया है और इससे लोग काफ़ी आहत भी हुए हैं। कई लोगों के घरों में राशन की व्यवस्था भी इस समय नहीं है, पहले तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा था और अब जो तूफान है, तूफान की वजह से कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने कार्यों को दुरुस्त करने में लगे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान गुल्हा क्षेत्र में हुआ है इस मंजर की वजह से। राइस मिलों का जहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ है, वहीं गरीब बस्तियों का, गरीब लोगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये जो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, हम यही बताना चाहेंगे कि अधिकारी कर्मचारी व सरकार इस तरफ ध्यान देते हुए इन लोगों की समस्या का सॉल्यूशन करे, और ताकि ऐसे लोगों का गुजर बसर ढंग से हो सके।
गुला चिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।